वीडियो सेकंड लेक्चर सेकंड मैट्रिक्स। और उम्मीद है कि आप सभी को मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन की समझ में आई होगी। वैसे आप सब मैट्रिक्स की डिफिनीशन तो इंटर में ही पढ़ चुकी हैं, तो बस मैंने आपको याद दिलाया था। और मैट्रिक्स में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के एलिमेंट जो ये सब चर्चा किया था उस समय। तो आइए जरा सा आज हम लोग मैट्रिक्स पे थोड़ा सा और आगे की चर्चा करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा था कि जैसे ए आपका है और आप ए आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम क्रॉस एन मतलब एम एन टाइप की मैट्रिक्स है, तो जो ए आई जे है, ये ए आई जे ये क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। और ए आई जे रोज और कॉलम के प्लेस पे रखा जाएगा, जो भी रो और जो भी कॉलम रहेगा। अच्छा, अगर कहीं कहीं लिखा होता है ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, अब एफ क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है फील्ड। अब फील्ड क्या होता है, तो क्योंकि हम लोग ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप और ये सब पढ़े थे और हम लोग फील्ड नहीं पढ़ पाए थे, मैं थोड़ा सा इस लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दूंगा फील्ड के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा फील्ड जरूरी है जानना। लेकिन फील्ड जानने से पहले आपको रिंग जानना जरूरी होगा। तो रिंग क्या होता है, तो जानते हैं रिंग जो होता है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स, यानी कोई भी इस तरह का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, याद रखिएगा इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक प्लस होगा एक डॉट होगा, तो कोई भी इस तरह का बाइनरी स्ट्रक्चर जो है रिंग कहलाएगा अगर ये फॉलोइंग एक्सियम सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जो होगा R1 R+ इज अबेलियन ग्रुप, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में R को, ये R ऐसा नहीं होगा, क्यों R फॉर रिंग, तो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब प्लस के लिए क्लोजर लॉ, प्लस के लिए एसोसिएटिव, प्लस के लिए आइडेंटिटी, प्लस के लिए इनवर्स, प्लस के लिए कम्यूटेटिव, प्लस के लिए ये पांचों रूल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद R2, इसमें जरूरी है कि डॉट के लिए ये सेमी ग्रुप हो, क्या हो, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मतलब केवल दो रूल, एक होगा क्लोजर लॉ और दूसरा होगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बस इतने रूल। और तीसरे में दो बातें होंगी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए प्लस बी डॉट सी बराबर होगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, यानी कि पूरे कितने नियम हो गए, पांच नियम ये, दो नियम ये, दो नियम ये, पांच दो सात दो नौ। यानी रिंग के लिए क्या होना चाहिए, रिंग के लिए जरूरी है कि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो। अब बाकी दो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सेट हैं बालिकाओं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, तो इस सेट जैसे जेड है, तो जेड प्लस डॉट रिंग होता है, कैसे होता है, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यों होता है, क्योंकि आप सबको ये पता है कि जेड जो है प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, मतलब इंटीजर को जोड़ोगे इंटीजर होगा, तीन नजर को जोड़ोगे तो एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी जीरो होता ही है, हर दो के लिए माइनस दो, यानी हर एक इंटीजर का माइनस होता है, कम्यूट करता ही है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, और उसके बाद R2 जेड डॉट, डॉट के लिए सेमी ग्रुप होता ही है, सेमी ग्रुप मतलब कि किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें वो उसी सेट में जाए, और किसी भी तीन एलिमेंट को आपस में ब्रैकेट लगाकर गुणा करें तो ब्रैकेट आपका क्या हो, रिमूव हो जाए यहाँ से बाहर, ये हो गया। उसके बाद तीसरे में भाई दो और तीन पाँच ये बराबर होगा 2.3 + 2.5, और मैं कह दूँ 3 + 5.7 तो 3.7 + 5.7 होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों हो गए। तो इस तरीके से जेड जो है रिंग की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करा, तो जेड प्लस डॉट क्या हो गया, रिंग हो गया। तो इसी क्रम में कौन कौन रिंग हो जाएंगे, तो जैसे जेड है उसी तरीके से क्यू भी होगा, रेशनल नंबर का सेट भी रिंग होगा, रियल नंबर का सेट भी रिंग होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी क्या होगा, रिंग होगा, ये सारे के सारे रिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए,
रिंग में जो हमने पढ़ा कि रिंग में डॉट में केवल दो ही नियम होगा, डॉट में कितने नियम होंगे, केवल दो ही नियम होंगे, कौन कौन होगा, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो देखिए अब इसमें से क्लोजर और एसोसिएटिव ये हो गया। रिंग के लिए देखिए प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन जरूरी है, ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन जरूरी है, डॉट के लिए नहीं, डॉट के लिए केवल दो नियम जरूरी है, कौन कौन, क्लोजर और एसोसिएटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी बिना जीरो का रिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में अगर अबेलियन ग्रुप है तो बिना जीरो का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए। अच्छा अगर इसमें कोई नियम, मान लीजिए डॉट का कोई नियम बढ़ जाता है, मान लीजिए अलग से यानी a डॉट वन बराबर a बराबर वन डॉट a हो जाता है, ठीक है, तो हम इस रिंग का नाम बोलेंगे, ये रिंग हो गई रिंग विथ यूनिटी। क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी, मतलब उसमें एक आ गया उसे बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, और वन को आइडेंटिटी मत बोलिएगा, आइडेंटिटी इसकी केवल जीरो है, वन को आप यूनिटी एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन को यूनिटी एलिमेंट। उसके बाद अगला नियम, अगर इसमें अलग से अगला ये आ गया कि ए बी बराबर बी ए हो जाए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, तो ये काउंट कर गया, फिर इसके बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ और मल्टीप्लीकेशन के लिए, जबकि कम्यूटेटिव लॉ केवल एडिशन के लिए उसमें लागू होता है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होगा। तो इस केस में आप आर को क्या बोलेंगे, इस केस में आप आर को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी है ना, एडिशनल रूल, और ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव, क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव, मतलब वो जितनी प्रॉपर्टीज थी यानी पूरी कौन कौन सी, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, बाकी दो टोट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी पांच दो सात दो नौ प्रॉपर्टी के अतिरिक्त अगर ये नियम आ गया तो रिंग विथ यूनिटी, ये नियम आ गया तो क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे, ठीक है। और सुनिए, अगर हर नॉन जीरो का, तीसरा, हर नॉन जीरो का अगर उसमें इनवर्स आ गया, हर नॉन जीरो का अगर उसमें इनवर्स आ गया, यानी a डॉट इनवर्स बराबर 1 बराबर a इनवर्स डॉट a, तो इस केस में आप बोलेंगे उसे डिवीजन रिंग, क्या बोलेंगे, डिवीजन रिंग और स्क्यू फिल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, डिवीजन रिंग और स्क्यू फिल्ड, राइट। तो यानी यूनिटी है तो रिंग विथ यूनिटी, कम्यूट कर गया मल्टीप्लीकेशन का तो कम्यूटेटिव रिंग, हर नॉन जीरो का इनवर्स हो गया तो क्या बोलेंगे आप, इस केस में आप बोलेंगे उसे डिवीजन रिंग और स्क्यू फिल्ड, ठीक है। एक बात और बताता हूं मैं आपको, एक होता है रिंग विथ जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, अब रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि किसी भी रिंग को आर प्लस डॉट को आप बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर, कब बोलेंगे, जब इसमें किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले आप और दोनों का गुणा क्या हो, किसी क्या मतलब कोई भी, मतलब सबके लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए जरूर हो जाए कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट और गुणा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर ऐसा कोई रिंग है तो उसे बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर। जैसे कि मैं बोल दूं Z4